नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा दसवीं का पाठ 10 स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा आशिमा महाजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। स्वयं प्रकाश जो कि सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में सन 1947 को हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य किया। रिटायर होने के बाद वे भोपाल में रहकर वसुधा नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी इत्यादि। इन्होंने उपन्यास भी लिखे जिनमें सबसे प्रसिद्ध हुआ ईंधन। भाषा शैली के बारे में जाने तो इनकी भाषा सहज है, बोधगम्य है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आप जब भी इस कहानी को पढ़ोगे अंदर आपको कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होंगे जैसे कंपनी, सिलसिला, बस्ट, कमसिन, चश्मा, इस तरह के कुछ देश शब्दों का प्रयोग इन्होंने इस कहानी में किया है, जैसे सरकंडे जैसे देश शब्दों का प्रयोग किया है। इसके अलावा हम जानेंगे कि नेताजी का चश्मा कहानी है किसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में। इस पाठ में मैंने आपको MCQs दिए हैं। MCQs के अलावा पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्न उत्तर भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर के अलावा अर्थग्रह संबंधी प्रश्न भी आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। चलिए इस पाठ का सार समझ लेते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी है तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में, जो कि नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर लगवा दी थी। और ये जो प्रतिमा है संगमरमर की बनी हुई थी। इस कहानी में एक है हालदार साहब, एक है कैप्टन और एक है पानवाला। चलिए सबसे पहले जानते हैं कहानी का सार। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक आपको बता ही दिए मैंने, स्वयं प्रकाश जी हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने देश के, एक तो देश प्रेम का वर्णन किया है और बताया है कि जो देश का निर्माण है वो कोई अकेला नहीं कर सकता। यानी कि देश को बनाना है तो अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें हम सबको बराबर का योगदान देना होगा। अगर गाइडलाइंस आ रही हैं कि मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, तो इसमें मोदी जी का पर्सनल कोई वो नहीं है कि उन्हें इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। इसमें देश के हर उस नागरिक को फ़ायदा हो रहा है जो कि भारत में रह रहा है। तो कृपया आप सैनिटाइज कीजिए टाइम पर हाथों को, और मुंह पे मास्क लगाना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अगर अपनी ज़िंदगी जीनी है तो प्लीज़ मुंह पे मास्क मत हटाइए। जब तक हम इस कोविड के जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, उस समय में मेरा आप सबको यही कहना है कि देश प्रेम अगर आपके अंदर है तो देश के निर्माण में आप प्लीज़ योगदान दीजिए। जिस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि देश का निर्माण कोई अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि जब जब देश का निर्माण होता है उसमें कुछ नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। इस पाठ में भी यही दर्शाया गया है कि नगर पालिका वाले कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाते हैं। कौन? नगर पालिका वाले। चलिए बात करते हैं इस पाठ के बारे में। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बेशक देश के उन गुमनाम नागरिकों के महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन किया है जो देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान देते हैं। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसके कस्बे तक सीमित थी। आपको पता ही होगा कि जो कैप्टन था वो कौन था, और नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं, कैप्टन बहुत ही बूढ़ा, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही अपाहिज व्यक्ति था। वो चश्मे बेचने का काम करता था, अपनी तो उसकी कोई दुकान नहीं थी, लेकिन फेरी लगाकर वो
चश्मे बेचता था। हालदार साहब कंपनी के काम से, हालदार कौन होता है? हवलदार। हालदार साहब कंपनी के काम से एक कस्बे में से हर 15 दिन के बाद गुजरा करते थे। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा था, जिसमें कुछ पक्के घर होते थे, कुछ कच्चे घर होते थे। लड़के लड़कियों के लिए 20 स्कूल था, एक नगर पालिका थी। नगर पालिका क्या करती थी? समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कार्य करती थी। एक बार नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने का निश्चय किया। मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दिया गया। मैंने आपको ऑप्शंस MCQs में बताया है मोतीलाल जी कौन है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करनी है। इसलिए मैं कहानी के सार में बता रही हूँ कि मास्टर मोतीलाल को क्या कार्य सौंपा गया था। मोतीलाल जी ने क्या किया, 1 महीने में नेताजी की छाती तक की संगमरमर की मूर्ति तैयार कर दी। नगर पालिका का लोगों में देश भावना जागृत करने का ये जो प्रयास था वो बस सफल था, सराहनीय था। लेकिन मूर्ति देखने वालों को मूर्ति में एक कमी लगती थी, मूर्ति का चश्मा पत्थर का नहीं था, वह असली था। शायद मूर्ति बनाने वाला नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया, इसलिए मूर्ति पर असली चश्मा लगा दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें लोगों का ये प्रयास अच्छा लगा। उन्हें लगा कि लोगों में अपने नेताओं के प्रति आदर है, रिस्पेक्ट है, सम्मान है। अगले 2-3 बार वहाँ से गुजरने पर हालदार साहब को मूर्ति पर अलग चश्मा लगा मिलता था। ये देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी जिज्ञासा कम करने के लिए चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि हर बार मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि नेताजी का चश्मा कैप्टन बदल देता है। जब कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देखता है, या जब कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पे लगा चश्मा चाहता है, तो कैप्टन क्या करता है, मूर्ति से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर क्या करता है, नया चश्मा लगा देता है। कैप्टन को नेताजी के चश्मे के बिना मूर्ति बहुत बुरी लगती थी। उसे चश्मे के बिना नेताजी का व्यक्तित्व ही अधूरा प्रतीत होता था, इसलिए वो अपने पास से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पे लगा देता था। पान वाले ने हालदार साहब को ये भी बताया कि मूर्तिकार मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। हालदार साहब को पान वाले की ये बात बहुत बुरी लगी। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए थे, जिसने अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा किया था। उन्होंने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या वह नेताजी की फौज का कोई सिपाही था। इस पर पान वाला मुस्कुरा पड़ा और बोला कि वह एक लंगड़ा है, वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाला हालदार साहब को कैप्टन दिखाता है। कैप्टन एक पतला सा बूढ़ा व्यक्ति था। उसके पास एक संदूकची थी और एक बांस था जिस पर तरह तरह के चश्मे टंगे थे। वह एक फेरी लगाने वाला था। जिस ढंग से पान वाले ने कैप्टन का परिचय दिया, वह ढंग हालदार साहब को बहुत बुरा लगा था। वे कैप्टन के विषय में बहुत कुछ जानना चाहते थे, परंतु पान वाला कुछ और बताने को तैयार नहीं था। हालदार साहब अगले 2 साल तक कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे देखते रहे। एक बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। उस दिन अधिकांश बाजार बंद था। अगली बार फिर हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने उदास होकर बताया कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया। हालदार साहब ये सुनकर चले गए। कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब ये सोचने लगे कि उस देश का भविष्य क्या होगा जिसकी जनता देश का निर्माण करने वालों पर हंसती है। हालदार 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वे चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे।
वे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति नहीं देख सकते थे, परंतु जैसे ही वे नेताजी की मूर्ति के सामने से गुजरे, ये देखकर हैरान रह गए कि मूर्ति पर किसी बच्चे द्वारा बनाया सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। हालदार भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने अटेंशन खड़े होकर नेताजी को प्रणाम किया। तो ये था हमारा सुंदर सा पाठ, स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी का सार अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी में तीन प्रमुख पात्र कौन कौन से थे। आगे आप देख लेंगे पान वाला कैसा था, उसकी तोंद निकली हुई थी, उसका रंग काला था, शरीर से मोटा था, आंखें हंसती हुई थी, दुकान उसकी चौराहे पे नेताजी की मूर्ति के सामने थी, और जब वो किसी बात पे हंसता था तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। तो जब पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करेंगे तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पाठ है, इस पाठ का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि इस पाठ का उद्देश्य है देश प्रेम का वर्णन करना। क्योंकि मूर्तिकार नेताजी की मूर्ति का चश्मा बनाना भूल जाता है। उस कस्बे में कैप्टन नाम का चश्मे बेचने वाला व्यक्ति है, उसे बिना चश्मे के नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा लगता है, इसलिए वो उस मूर्ति पर अपने पास से चश्मा लगवा देता है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके मरने के बाद नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के चौराहे पर लगी रहती है। बिना चश्मे की मूर्ति हालदार साहब को भी दुखी कर देती है। वे ड्राइवर से चौराहे पर बिना रुके आगे बढ़ने को कहते हैं, लेकिन अचानक उनकी नज़र मूर्ति पे पड़ती है। उस पर किसी बच्चे द्वारा सरकंडे का बनाया चश्मा लगा हुआ था। ये दृश्य हालदार साहब को देशभक्ति की भावना से भर देता है। तो इसी आधार पे कहा जा सकता है कि देश के निर्माण में करोड़ों गुमनाम व्यक्ति अपने अपने ढंग से योगदान देते हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं अपितु बच्चे भी शामिल होते हैं। यही इस पाठ का उद्देश्य है, और देश प्रेम की भावना जगाना इस पाठ का मेन उद्देश्य रहा है। तो आप सब भी अपने अंदर देश प्रेम की भावना लाइए, और देश को इस कोविड के टाइम सर निकलने के लिए साथ दें। सिर्फ हाथ सैनिटाइज करें और मुंह पे मास्क लगाएं। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स।